हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में बिन का जोड़, बिन का घटाव, बिन का गुणा, बिन का भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिन का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए हमने दो बिन लिए, दोनों बिनों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारी पहली बिन है 3/4 प्लस 6/5। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, बिन की शुरुआत एलसीएम से करते हैं। तो जो बट्टे की संख्या होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 20। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 20 ऊपर संख्या क्या है? 3। तो 3 की 3 लिख लेंगे। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 5 बार 5 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 6 की 6। 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 4 बार 4 का इसमें गुणा कर देंगे। बीस की बीस, पंक्ति 15 प्लस 6 चौक 24। 20 की 20 प्लस लगी तो दोनों संख्या जुड़ेंगी। तो 24 और 15 कितना होगा? 39। तो 39/20 हमारा क्या है? आंसर है। अगर दोस्तों आपको एलसीएम करना नहीं आता है तो एलसीएम की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख लें उसको। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट बिन है 5/7 प्लस 6/5 प्लस 3/7। तो जो बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या कौन कौन सी है? 7, 5, 7। तो जब हम 7, 5, 7 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 35। तो 35 एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। ऊपर संख्या क्या लिखी है? 5। तो 5 की 5 लिख लेंगे। 7 का भाग 35 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 5 बार 5 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 6 की 6। 5 का भाग 35 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 7 बार तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस 3 की 3, 7 का भाग 35 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 5 बार 5 का इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 की 35, 5 25 प्लस की प्लस, 7 चक्के 42 प्लस की प्लस, 5 15 35 की 35। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 25 15 40 40 42 कितना होंगे? 82। तो 82/35 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिन का घटाव करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने दो बिन लिए, दोनों बिनों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारी पहली बिन है 3/4 - 4/5। तो जो बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या कौन कौन सी है? 4, 5। तो जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 बट्टे में रखेंगे। ऊपर क्या है? 3। तो 3 की 3 लिखेंगे। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बजेगा? 5 बार 5 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 4 की 4। 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बजेगा? 4 बार 4 का इसमें गुणा कर देंगे। 20 की 20, 5 15 माइनस 4 चौक 16। 20 की 20, 16 में से 15 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों बची है? क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो माइनस के 1/20 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट बनना है 7/2 - 4/5 - 1/10। तो जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या कौन कौन सी हमारी? 2, 5, 10। तो जब हम 2, 5, 10 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 10 की 10, 7 की 7, 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 4 की 4, 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 2 बार 2 का इसमें गुणा कर देंगे।
माइनस की माइनस, एक की एक, दस का भाग दस में देंगे तो कितनी में जाएगा, एक बाद जाएगा, एक का गुण एक में कर देंगे। दस की दस, सात पैया पैंतीस, माइनस चार दुनी आठ, माइनस एक, बीस की बीस, प्लस के पैंतीस, माइनस के आठ, माइनस के वन, तो माइनस के नौ, बीस की बीस, पैंतीस में से नौ गया तो कितना बचेगा छब्बीस, तो छब्बीस बट्टे बीस, दोनों संख्या दो से कट रही है तो इसको दो से काट लेंगे, तो दो का भाग छब्बीस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है तेरह बार, दो का भाग बीस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है दस बार, तो तेरह बट्टे दस हमारा क्या आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे, तो इसके लिए हमने दो भिन्न लिए, दोनों भिन्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारी पहली भिन्न है दो बट्टे छः गुणा सात बट्टे बारह, तो दोस्तों गुणा में हम अंश गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं, तो जो ऊपर की संख्या होती है उनको हम अंश कहते हैं, जो नीचे की संख्या होती है उनको हम हर कहते हैं, तो अंश गुणा किसे करते हैं अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से, तो दो का गुणा किससे करेंगे सात से, तो दो गुणा सात, छः का गुणा किससे करेंगे बारह से, तो छः गुणा बारह, अगर कोई संख्या कट रही तो उसको काट सकते हैं, तो दो से छः कितनी बार कट रही है तीन बार, अब कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर हमारी संख्या क्या बची है सात और नीचे हमारी संख्या क्या है तीन गुणा बारह, तो बारह तीस छत्तीस, तो सात बट्टे छत्तीस हमारा क्या आंसर आया है। हमारी नेक्स्ट भिन्न है आठ बट्टे सात गुणा चौदह बट्टे बत्तीस गुणा पंद्रह बट्टे सोलह, तो गुणा में हम अंश गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं, इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जैसे आठ से बत्तीस कितनी बार कट गई चार बार, दो से चार कितनी बार कट गई दो बार, दो से चौदह कितनी बार कट गई सात बार, अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, जैसे सात से सात कट गई तो अब हमारी संख्या क्या बची है ऊपर बची है पंद्रह, नीचे क्या बची है सोलह दो, तो सोलह दो नहीं बत्तीस, तो पंद्रह बट्टे बत्तीस हमारा क्या आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे, तो इसके लिए हमने दो भिन्न लिए, दोनों भिन्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारी पहली भिन्न है आठ बट्टे सात भागित पाँच बट्टे चौदह, तो दोस्तों इस वाक्य चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो आठ बट्टे सात, तो इस वाक्य चिन्ह को किस में चेंज करें गुणा में, तो जब भी हम वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या आती है वो पलट जाती हैं, तो ये क्या है पाँच बट्टे चौदह, तो क्या आएंगे चौदह बट्टे पाँच, अब ये किसके रूप में है गुणा के रूप में, अब हम अंश गुणा अंश से कर देंगे और हर का गुणा हर से करेंगे, तो आठ गुणा चौदह और सात गुणा पाँच, अगर कोई संख्या कट रही तो उसको काट सकते हैं, तो दो सात का भाग चौदह में देंगे तो कितनी बार जा रहा है दो बार, अब कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही है तो आठ दुनी सोलह और पाँच की पाँच, तो सोलह बट्टे पाँच हमारा क्या है आंसर आया है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट बनना है पाँच बट्टे दो भागित सात बट्टे तीन भागित चार बट्टे तीन, तो सबसे पहले हम इस वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे, तो पाँच बट्टे दो, जब हम वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो जो संख्या आती है वो पलट जाएंगी, तो क्या है सात बट्टे तीन, तो क्या जाएंगी तीन बट्टे सात, इसी प्रकार इसको पलट गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी, तो चार बट्टे तीन, तो क्या हो जाएंगी तीन बट्टे चार, अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, तो दोस्तों इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है तो इसमें अंश गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे, तो पाँच गुणा तीन गुणा तीन, दो गुणा सात गुणा चार, तो इनको गुणा कर लेते हैं पंती पंद्रह पंद्रह पैंतालीस सच्चों को अट्ठाईस अट्ठाईस उन्नीस छप्पन, तो पैंतालीस बटे छप्पन हमारा क्या आंसर आया है।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।